और आपको ये लगता है कि आपकी माइलेज जो है सर्विस इंप्रूव हुई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण शांडेलर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूं वो है महिंद्रा की XUV 300 जो कि सबसे सेफ गाड़ी है और ये गाड़ी बिलोंग करती है हमारे साहिल सर को। साहिल कैसे हो? बस बड़े सर, आप सुनाइए। बस फर्स्ट क्लास। तो गाड़ी आपकी ये पहली गाड़ी है ना? मेरी पहली गाड़ी है। तो मतलब पहली गाड़ी ये क्यों? सीधे पॉइंट पे आते हैं, इधर उधर बातें नहीं करेंगे। पहली गाड़ी ये क्यों? एक मेरी हाइट को देख तो आपको लग रहा है मेरा हाँ। से मन था कि मैं SUV लेना चाहता। तो एक हाइट और एक SUV। पहले आप सर की हाइट देखिए, सर हाइट बता दीजिए एक बार कितनी है। हाइट मेरी 6 फुट 2 इंच है। 6 फुट 2 इंच। एक्चुअली इनको छोटी गाड़ी में ना काफी परेशानी आती है। तो फैमिली में पहले आल्टो थी जिसमें बहुत ज्यादा परेशान थी। हाँ, आप एक बार मेरे साथ भी गए थे आल्टो में, मेरे को पता है। बहुत दिक्कत थी, मैंने कहा गाड़ी लूंगा तो ऊंची होगा। मैं सिर्फ इसमें बैठ के देखा था, मैं टायर में मुझे नहीं लेती और मैंने कुछ नहीं सोचा। क्या बात है, मतलब गाड़ी लेके खुश है, मतलब हो गया ना। कोई गाड़ी से कोई दिक्कत। आपको अपनी प्रायोरिटीज पता थी कि आपको क्या करना है? ऐसे कई लोगों को ना प्रायोरिटी नहीं पता होती, वो उनको यही नहीं होता कि उनको कौन सी गाड़ी लेनी है, कैसे क्या करना है। तो साहिल सर, जैसे कि अभी ये गाड़ी आपकी W8 है, ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल के अंदर आपको ये सनरूफ वगैरह मतलब जो है वो फीचर मिल जाते हैं, उसकी शायद आपको जरूरत भी नहीं थी। तो W8 में नॉर्मल जो आपने अभी ये ले रखी है, इसके अंदर सब इसके अंदर है, क्रूज कंट्रोल वगैरह और जो भी। तो इस बजट में 11 लाख समथिंग की आपको गाड़ी पड़ी थी, इस बजट में आपके पास और भी तो ऑप्शन थे इसमें? सर मेरे पास एक नेक्सन का ऑप्शन था, एक ब्रेजा का ऑप्शन था, ठीक है, लेकिन नेक्सन में मुझे नेक्सन से ज्यादा मुझे ये अच्छी लगी। रीजन मुझे जब नेक्सन चलाई और ये चलाई तो मुझे इसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। ठीक है। हाँ, वो बंदे की अपनी नीड होती है, आपकी हाइट भी ज्यादा है तो मे भी आपको इसके अंदर ज्यादा कम्फर्ट लगा। और ब्रेजा के अंदर क्यों नहीं गए आप? ब्रेजा सर मैं ब्रेजा पे गया, मारुति में गया ही नहीं। मारुति में जाना ही नहीं चाहते थे नहीं। रीजन वही, वो बिल्ड क्वालिटी और वो बस है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब आपको बिल्कुल क्लियर कट था, ये आपकी पहली गाड़ी है तो मतलब आपने वैसे रिसर्च वगैरह तो की होगी ना पहले? इस रेंज में मेरा सबसे मोटो था कि मैं सेफेस्ट गाड़ी लूं। सेफेस्ट? हाँ, ये गाड़ी अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं, अगर उसके बाद भी अगर आप उसके बाद भी बिल्कुल आपको सेफेस्ट गाड़ी नहीं है तो मुझे लगता कि आपके पैसे खर्च करने चाहिए। बिल्कुल, रोड के ऊपर जब चलते हो आपकी जान गाड़ी के हाथ में होती है। तो चलिए, आपकी प्रायोरिटी थी सेफ गाड़ी लेना, आपको कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए थी क्योंकि आपकी हाइट ज्यादा है और उस उम्मीद पे तो गाड़ी आपकी बिल्कुल खरी बैठती है ये। और ये पेट्रोल वेरिएंट है ना? हाँ, पेट्रोल वेरिएंट है। तो इसकी और कुछ अच्छी बातें बताइए, आपको क्या अच्छा लगा इसके अंदर? अब तक आपने 15,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, इसकी सर्विस भी हो चुकी होगी, पेड सर्विस भी हो चुकी है। एक ही बात करना चाहूंगा, जब भी चलाता हूं तब लगता है चलता जा रहा हूं। अरे क्या बात है, मतलब ये जो इस गाड़ी के बारे में और कुछ नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये है ना, ये एक सिंगल वर्ड डेफिनेशन है, आपको गाड़ी इतनी पसंद आती है तो आप सिर्फ यही बात बोलते हो कि गाड़ी को मैं चलाता जाऊं, रुकूं ही नहीं कहीं पे। मैं एक दिन गाड़ी खड़ी करता तो मेरे मन में ये रहता कि कहीं ना कहीं लेके जाऊं, चाहे मैं 1 किलोमीटर के लिए गाड़ी घुमा के ले आऊं। क्या बात, मतलब इसकी राइड जो हैंडलिंग है और जो भी मतलब इसकी रोड के ऊपर जो है चिपक के चलती है, जो इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आता है वो आपको मतलब गाड़ी को चलाते रहने के लिए मजबूर किया जाता है ना। बिल्कुल, यही बात है। तो चलिए, अब इसकी सर्विस कितनी हो चुकी है? सर इसकी अभी एक सर्विस हुई है। कितने किलोमीटर होती है सर्विस इसकी? सर 10,000 किलोमीटर हुई थी। 10,000 पे सर्विस तो 1,000 पे थी, वो तो नॉर्मल चेकअप था। ठीक है, जो वैसे किलोमीटर के ऊपर हुई थी सर मेन सर्विस जो है, जिसके अंदर इसका मोबिल वगैरह। तो उसके अंदर आपका खर्चा कितना आया इसके अंदर? मेनली इसका खर्चा सर आया 3,200 रुपए, मतलब 3,000 प्लस GST बस। हाँ जी सर, उसके अंदर बस आप ये लगा लो लेबर फ्री होगी। लेबर कितने की मतलब कंपनी चार्ज लेती है? एक आधी चीज एक्स्ट्रा थी कि एक इंजन पेंट था, इसके कारण ये 3,000-3,350। अच्छा, आपने एंटी रस्ट कोटिंग वगैरह करवाई इसके अंदर? इसका करा के ये मुझे 5-5.5 के करीब पड़ी, वो एक ऑप्शनल था। मैं ऑप्शनल था, वो आप करवाओ ना करवाओ वो अपनी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इसका नॉर्मल 2,500-2,800 3,000। यार इतनी बड़ी गाड़ी के लिए मतलब इतनी कम सर्विस तो बिल्कुल ना जैसा ही है। अगर आप कंपनी लेबर भी चार्ज करेगी तो कितना लेबर चार्ज कर लेगी? 500-600 रुपए। तो उसी हिसाब से आपकी गाड़ी की जो सर्विस है, पेड सर्विस जो है, वो आपकी 4,500-5,000 में निपट जाएगी आराम से। चलिए, और गाड़ी के अंदर आपने वैसे क्या क्या काम करवाया एक्स्ट्रा? गाड़ी के अंदर सर मैंने सिर्फ बाहर से सीट कवर लगवाए सर, ऑप्शनल में है सर। ऑप्शनल में है, लेदर है ना? चलो अच्छी बात है। और क्या करवाया आपने बाहर से इसमें? सर इसमें एक तो मैंने डोर वाइजर लगवाए हैं, रेन वाइजर। ठीक है, और एक ये लेदर रैप का ये लगवाया, स्टीयरिंग, मतलब ये तीन चीज लगवाए। मतलब ज्यादा कुछ आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी आफ्टर मार्केट? कुछ नहीं।
चलिए अच्छी बात है, मतलब 2 से 3 हज़ार में मेरा बाकी सब जो चीज़ छोटी बड़ी चीज़ें सब पूरी वही है। टॉप वेरिएंट या टॉप से नीचे का आप वेरिएंट लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मतलब फुली फीचर गाड़ी मिल जाती है। आपको ये चीज़ें करवाओ करवाओ ना भी करवाओ कोई मतलब बड़ी बात नहीं होती। सर्विस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर सर्विस के मामले में ठीक रहा, लेकिन सर्विस के मामले में महिंद्रा को थोड़ा बाकी से थोड़ा सा कम मार्क, क्योंकि महिंद्रा सर्विस के मामले में प्रोफेशनलिज्म में कम है। आपको क्या परेशानी क्या आई वैसे? परेशानी कुछ नहीं कि प्रोफेशनलिज्म जो महिंद्रा में होना चाहिए वो बाकी, जैसे अगर आप किया के शोरूम में जाएंगे, हुंडई के शोरूम में जाएंगे, तो जो प्रोफेशनलिज्म जो वहाँ पे है वो महिंद्रा में नहीं है। एक्चुअली अपनी जो देसी हाँ अपनी जो देसी कंपनी है ना, बस वो चीज है, वो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि वो कि सर्विस बढ़े नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी प्रोफेशनलिज्म की मैं कमी कर सकता हूँ, मतलब उनसे अगर कंपेयर करें तो देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है ना। चलिए अच्छी बात है। तो बाकी ये आपको कौन अपने को वैसे साहिल सर कौन सा मतलब अपने को रेगुलर जाना है, अपने को 6 महीने में साल में एक बार जाना होता है सर्विस करवाने के लिए, बस यही सोच लो कि यार चलो कोई नहीं गाड़ी अपनी ठीक ठाक हो गई है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सर्विस के बाद गाड़ी में कोई आपको परफॉर्मेंस में कोई इश्यू या कोई इम्प्रूवमेंट ऐसा कुछ नहीं? हाँ, आप कह सकते हैं माइलेज थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। माइलेज इम्प्रूव हुई है वो एक्चुअली वो जब आप चलाते हो ना, इतना लंबा आप चला लेते हो गाड़ी को, आपको गाड़ी के बारे में पता चल जाता है आपकी गाड़ी कहाँ पे किस गियर में और किस स्पीड में कैसे चलती है, तो वो आपकी ड्राइविंग से इम्प्रूव होती है माइलेज, और आपको ये लगता है कि आपकी माइलेज जो है सर्विस इम्प्रूव हुई है, ये एक भ्रम फैला हुआ है। वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि मेरी गाड़ी की सर्विस होगी अब इसकी माइलेज हो जाएगी, नहीं वो आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, और आप माइलेज अच्छी ले रहे हो इसका मतलब आपकी ड्राइविंग काफी बढ़िया है। ज्यादा रूबरू 10,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होते हैं और आप अपनी गाड़ी से काफी रूबरू हो जाते हैं। अरे आप तो गाड़ी से प्यार भी बहुत करते हो ना, जैसे आपने बताया आप गाड़ी लेके चलते जाओ, और कोई ना गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम वगैरह एसी वगैरह इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? सर सब चीज ओके है, किसी चीज से कोई शिकायत नहीं है, म्यूजिक सिस्टम मस्त है, बिल्कुल बढ़िया। और एसी की मैं आपको बताऊं दोस्तों, वैसे अभी मतलब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है क्योंकि जून जुलाई का महीना है, मानसून का टाइम होता है और इस टाइम पे बड़ी उमस हो जाती है, तो अभी मैं पीछे की सीट पे बैठा हूँ और पीछे की सीट के ऊपर भी बड़ी मतलब गाड़ी चिल्ड फील हो रही है। तो इसमें जैसे पीछे ना रियर एसी वेंट वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी जरूरत है, गाड़ी बड़े अच्छे तरीके से गाड़ी ठंडी हो रही है अंदर से। तो साहिल सर इसके अंदर आपको और क्या क्या फीचर मतलब आपको इसके लगे कि हाँ यार मतलब मेरे को डील अच्छी मिली है? जो मुझे इसका जो सबसे बेस्ट लगता है कि इसके अंदर आपके आप ड्यूल एसी कंट्रोल है। मान लीजिए आपके यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स बैठे हैं, एज बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो एज रहे तो वो एसी इतने ज्यादा प्रेफर नहीं करते बिल्कुल, जो यंग जनरेशन है उन्हें एसी चाहिए होता है। तो इसके अंदर ये फीचर है कि आप एक तरफ का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, एक तरफ का टेम्परेचर ज्यादा कर सकते हैं, ये तो इसमें वेरिएशन ला सकते हैं कि आप अपने हिसाब से टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं, मतलब जो इसमें जोन क्रिएट हो जाता है। हाँ, जोन क्रिएट हो जाता है इस साइड में आपको ज्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा। हाँ, ये तो इसकी कुछ अच्छी बातें, अब नेगेटिव्स पे आते हैं, आपको क्या चीज के अंदर अच्छी नहीं लगी? नेगेटिव जो है इसका सबसे बड़ा पॉइंट जो है इसकी बूट स्पेस, बूट स्पेस ये सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन बूट स्पेस का देखो नॉर्मली तो बहुत ही कम यूज होता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, लेकिन अगर आप नॉर्मल के साथ अगर किसी टूर पे या फ्रेंड के साथ टूर पे जाते हैं तब वो बूट स्पेस की कमी करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक्चुअली ये ना 5 सीटर गाड़ी है, 5 सीटर गाड़ी में अगर आप 4 फ्रेंड भी अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो या 4 फैमिली मेंबर भी घूमने के लिए जा रहे हो, आपके पास लगेज काफी ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में इसका जो बूट स्पेस है वो इनसफिशिएंट हो जाता है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो जाती है। आपके पास गाड़ी तो बढ़िया है लेकिन आप सामान नहीं ले जा सकते उसके अंदर, ये इसके अंदर महिंद्रा को थोड़ा सा कुछ करना चाहिए था, क्योंकि इसके सेगमेंट में इसकी कंपटीशन में जो भी गाड़ी आ रही है सबके अंदर काफी बढ़िया बूट स्पेस मिल रहा है। इवन नेक्सॉन के अंदर आप देख लो और क्रेटा बेस मॉडल भी आ जाता है, इसमें क्रेटा के अंदर भी बूट स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है आपको। सो सर इसका एक और छोटा सा नेगेटिव आप कह सकते हो, इसके अंदर पीछे है ना थोड़ा सा स्पेस जो लेग स्पेस है वो थोड़ा सा कम है, नेक्सॉन के अंदर तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती शायद है ना? आपकी हाइट जैसे 6 फुट 2 इंच आप बता रहे हो, तो आपके पीछे जो बंदा बैठता है वो ज्यादा लंबी हाइट का बंदा आपके पीछे कंफर्टेबली बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसके पैर आपकी आगे वाली सीट पे लगेंगे। अभी मेरे सामने जो बैठे हैं भाई साहब, आपकी हाइट क्या है? 5'8" है और मेरी 5'11" है, तो मेरे जो पैर हैं वो सीट से टच हो रहे हैं, हालांकि उतना अनकंफर्टेबल नहीं है बट स्टिल नेक्सॉन के मुकाबले में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम लगा, बाकी आगे स्पेस बहुत है, सर आराम से बैठे हैं, अपना मोहित भाई आराम से बैठा है, तो ये एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता था। तो आपने डिग्गी अगर कम कर दी है तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बढ़ा देते तो वो भी एक चीज़ जो है एक्सेप्टेबल हो जाती। तो बूट स्पेस को छोड़ के और कोई नेगेटिव चीज़ की और कोई चीज़ मुझे ऐसी कुछ ऐसी वो तो मुझे भी लग रहा था आपको कोई नेगेटिव चीज़ के अंदर नहीं मिली होगी। चलिए तो अभी आपका ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है, आप गाड़ी रेकमेंड करेंगे अगर कोई मतलब मतलब अगर उसको खुद के लिए फन टू ड्राइव कार चाहिए डे टू डे चाहिए तो ये कोई दिक्कत नहीं, कोई बिल्कुल
पावर वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खैर। और इसके अंदर इंजन रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छी है, मैंने फील किया है, तो आपको वाइब्रेशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ फील नहीं होता। रोड नॉइस है वो भी आप एक बार सुन लीजिए माइक में, आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। गाड़ी अभी 100 की स्पीड पे है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि काफ़ी शांत केबिन है, कोई ज़्यादा मतलब बाहर का शोर अंदर नहीं आ रहा। अगर आप गॉसिप भी कर रहे हो तो आपको आसानी से एक दूसरे की बात समझ में आ जाएगी, आपको चीखना नहीं पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर बातें करने के लिए। तो चलिए साहिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक यूजफुल इंसाइट देने के लिए। तो आपकी जो ये आपने रिव्यू दिया है, आई होप कि जो बंदा अभी XUV 300 लेने की सोच रहा है और उसके मन में कुछ भी डाउट है, तो ये जो रिव्यू आपका ये काफ़ी हद तक उसके डाउट वगैरह को क्लियर करने में उसकी हेल्प करेगा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।